महानगर में अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिस हुई नाकाम, नहीं मिल पा रहा पीड़ित परिवार को इंसाफ। मुरादाबाद के कचहरी एसएसपी ऑफिस के बाहर पिछले 13 दिनों से अपनी पुत्री की बरामदी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार की अगवा हुई पुत्री का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके चलते पीड़ित परिवार में काफ़ी रोष है। साथ ही इसी के चलते 26 जुलाई सोमवार को कांग्रेस पार्टी महानगर से कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने एवं किशोरी की सकुशल बरामदी के लिए एक दिन का उपवास रखा है और जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द किशोरी को बरामद किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि 13 दिनों से धरने पर बैठे हैं परिजनों को डर का भय सता रहा है, क्योंकि रात के समय उनकी सुरक्षा के लिए मुरादाबाद पुलिस द्वारा कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किया गया है और रात के समय कचहरी परिसर में विकट अंधेरा और सुनसान हो जाती है, जिसके चलते उन्हें डर सताता रहता है। आपको बता दें, संभल के धनोरा निवासी पीड़ित परिवार 14 जुलाई से मुरादाबाद के एसएसपी पवन कुमार के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा है। पीड़ित परिवार का कहना यह है कि उनकी पुत्री 10 जनवरी को मुरादाबाद के काशीराम नगर में अपने मामा के यहाँ आई थी, तभी मोहल्ले में रहने वाला विष्णु शर्मा ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया है, जिसकी शिकायत उन्होंने मझोला थाने में जाकर दर्ज कराई थी, लेकिन पूरे 7 महीने बीत जाने के बाद भी मझोला पुलिस की तरफ से अपहरण हुई किशोरी का कोई सुराग नहीं मिल सका। थाना चौकी के चक्कर लगाकर परेशान होने के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए मुरादाबाद के एसएसपी पवन कुमार के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया। धरने पर पीड़ित परिवार के बैठने के बाद अगले दिन को एसपी सिटी अमित आनंद पीड़ित परिवार से मिले और 8 दिन के अंदर उनकी पुत्री को बरामद करने का आश्वासन दिया, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि आज पूरे 13 दिन हो चुके हैं लेकिन अधिकारियों के वादे झूठे हो गए हैं और हमारी बेटी की अभी तक बरामदी नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक हमारी पुत्री को पुलिस ढूंढ नहीं देती, तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मुरादाबाद कांग्रेस के महानगर कमेटी के पदाधिकारी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ देने एवं उनको न्याय दिलाने के लिए एक दिन का उपवास रखा है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार की पुलिस अपराधियों को पकड़ने और आपराधिक गतिविधि रोकने में नाकाम हो चुकी है, जिसके चलते महानगर में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मुरादाबाद जिला प्रशासन 13 वर्षीय पुत्री को बरामद नहीं कर पाता है तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम कुमकुम है। मैं 14 जुलाई से धरने पर बैठी हुई, 12 दिन 12 रातें मुझे बीत चुकी हैं और आज मुझे 13वां दिन हैगा। बिल्कुल भी कोई इंतजाम नहीं हुआ, बल्कि और अंदर के कार्यालय की लाइटें बंद कर दी गई। आप उसमें की बात कर रहे हैं, हमारी तबीयत भी ख़राब हुई, बरसात भी बड़ी, सब चीज़ हुई, पर लेकिन हम अपने धरने से हटके यहाँ से कहीं नहीं गए। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, रहा चलता आदमी जब रात काल हो जाती है तो उल्टी सीधी बातें कह के निकलता है। ये नहीं कि 2 कॉन्स्टेबल मेरी हमारे सुरक्षा के लिए बाहर गेट पे बैठा दिए गए हों, इस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। किसी तरह के एम्बुलेंस की कोई गाड़ी वगैरह आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इस बात के लिए कैसा कहना चाहती हूँ, प्रशासन ये सभी चीज़ हैगी और सारी ढिलाई आप ही देख रहे हैं, इस चीज़ के लिए देख रहे हैं। जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं हो जाएगी, मेरी चाहे कुछ भी हो, मेरी असली की आखिरी भी सांस रह जाएगी, मेरे पति और मेरा बच्चा, हम दिन रात हैं धरना देंगे। पहले मैं अकेली थी, आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे संग आम जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जीविका बचाओ जैसे आंदोलन और बतेरे आंदोलन मेरे संग जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने मेरे लिए कांग्रेस पार्टी से और जीविका बचाओ आंदोलन से एक दिन का उपवास रखा है। इस चीज़ के लिए एसएसपी साहब सोच रहे हैं कि इस औरत की हिम्मत टूटेगी या कुछ टूटेगी, धरने से हट जाएगी। मैं धरने से जब तक नहीं हटूंगी जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं होगी, और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ मेरी बेटी जल्द से जल्द ये लोग बरामदी करें और सही योगियों को इसके सजा दें और विष्णु शर्मा को गिरफ्तार करा जाए। किस तरह से आपकी बेटी गई कौन लेके गया तोड़फोड़? विष्णु सर, मेरी बेटी 10 जनवरी वाले दिन ट्यूशन पढ़ने गई थी, इसे विष्णु शर्मा नाम के युवक ने अपहरण किया था। उसके बाद भी मैंने मेरा अज्ञात मुकदमा इन्होंने दर्ज कर दिया था,
फिर मैंने इस पर प्रकाश डाला। जब प्रकाश में ये विष्णु शर्मा आए और 16 जून को पंकज विवेचक ने, जबकि इसके वारंट भी ले लिए, उसके बावजूद भी ये गिरफ्तार नहीं हुआ। पंकज विवेचक मुझसे बोले कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपकी बेटी 12 घंटे के अंदर बरामद कर दूँगा। मैं देने में असमर्थ रही तो इसलिए मेरी बेटी बरामद नहीं करी गई और ना पंकज विवेचक के खिलाफ कोई कार्रवाई करी गई, जो अभी तक थाने में मौजूद हैं। क्या मानती हैं पंकज त्यागी जो है अपने जहाँ लाइट जनता के दौर पर जहाँ सारा काम गलत कर रहा है, फिर भी ऐसा इंचार्ज को वहाँ से हटाया गया, क्या चौकी इंचार्ज को क्या वजह जो हटाए नहीं गया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का उसको इस पर पुलिस प्रशासन का ये तो इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है कि इतनी पक्का ये कह रही हूँ कि पुलिस प्रशासन अब बिक चुका है। इतनी घोर लापरवाही किस लिए है, किस चीज़ के लिए की जा रही है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जबकि रात में आकर के मुझसे यही कह जाते हैं, नए एसओ साहब भी कहते हैं आप घर जाइए, घर से आप मेरा सहयोग करिए। अरे 6 महीने से मैं सहयोगी तो कर रही हूँ, कुछ धमकी मिल ही रही है मुझे कि मुझे धरने से हटाना चाहते हैं यहाँ से। यहाँ के ये तो पिछले वाले प्रशासन हटाना चाहता है मुझे, नए वाले जो ऐसे आए हैं जी। हाँ, रात मेरी वार्तालाप हुई, उन्हें मैंने जानकारी दी थी तो बाद में मुझसे कहते हैं आप यहाँ परेशान हो रही हैं, आप घर जाइए, आप वहाँ से जाके हमारी सहायता कीजिए, सब कुछ करिए। तो मैंने उनसे एक ही जवाब दिया था, जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं हो जाएगी मैं धरना स्थल छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे दिमाग में अगर डर होता, अगर भय होता तो मैं अपनी आवाज़ दबा दी होती, उठाती नहीं। सर अगर हर औरत इसी डर से बाहर निकल के जाए ना तो ये प्रशासन और बेटी ये बहुत सुरक्षा खुद पे खुद हो जाएगी। मुझे चीज़ का कुछ डर नहीं है, चाहे अंधेरा हो चाहे कुछ हो, उसकी अपनी अभी मैं खुद सुरक्षा करती हूँ। कहीं ना कहीं योगी सरकार कहते हैं सुरक्षा होगी, लेडीज होगी, क्या 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 सुरक्षा हो रही, किस नज़रिए से आप देखते हैं? सारे दावे घोखले हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब कहा जाता है, क्या चीज़ है कि कहाँ से बेटी बचाई जा रही है? आए दिन बेटियों की घटनाएं घट रही हैं, किसी के संग रेप हो रहा है, किसी का अपहरण हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किस चीज़ का है? ये सारे खोखले वादे हैं योगी सरकार के। क्या ये आज मैं यहाँ इतने दिन धरने पर बैठी हूँ या कुछ मेरी कार्रवाई नहीं की जा रही है, किस चीज़ का है योगी सरकार? मैं इसके विरुद्ध हूँ। मेरा उपास नहीं है, जो मेरे जीविका बचाव के और कांग्रेस कमेटी के हैंगे उनका उपास एक दिन के लिए उन्होंने रखा है। SSP अभी तक हमसे मिलने नहीं आए थे। इनके अधिकारियों के कान में जू रहेंगी ही नहीं रही है, क्योंकि सब आते हैं, सब देखते हैं, सब चीज़ करते हैं, कुछ नहीं है। अब भी इतनी बड़ी यहाँ सब जने बैठे हैं या कुछ बनते हैं, इतना बोलने पर, कहने पर, सुनने पर SSP महोदय का एक बार फर्ज बनता है कि इतनी बड़ी सब जने बैठे हैं, एक बार देखा भी तक नहीं और कोई बातलाब भी नहीं कि आज मुझे 13वां दिन है SSP साहब ने। हाँ, SSP श्री आनंद, अमित आनंद जी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था कि आप धरने से हट जाइए, 8 दिन में मैं आपकी बेटी बरामद कर दूंगा। मैंने उन्हें ये जवाब दिया था आप 8 दिन नहीं सर, मुझसे 10 दिन ले लीजिए, पर लेकिन आज 10 दिन नहीं, मेरे 13वां दिन है। यही बड़े बड़े अधिकारी ऐसे ऐसे आके वादे करके झूठे निकल जाते हैं, तो क्या विश्वास है इनका? अगर मैं धरने सर जाऊँ मेरी बेटी, मेरी बेटी मुझे बरामद करके दे देंगे ये। मेरा नाम विजय प्रकाश मिश्रा है, मैं महानगर कांग्रेस कमेटी का वर्कर हूँ, सोशल मीडिया का प्रदेश सचिव हूँ। आज आप जो उपवास पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आज हम उपवास पर बैठे हैं एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। पिछले 6.5 महीने से हमारी पुलिस प्रशासन सोई हुई है और प्रदेश की सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ बेटियों के अपहरणकर्ता के संरक्षक बनकर पीड़ित परिवार की आवाज़ दबा रही है। हमारा उपवास आज शाम 5 बजे तक रहेगा, लेकिन हमारा आंदोलन है तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित परिवार को न्याय न मिल जाए। आगे हम सड़कों पर भी उतरेंगे और सरकार के
यूपी सरकार की नींव हिला के रख देंगे जब तक पीड़ित परिवार को न्याय ना मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा अभी तक पीड़ित परिवार से लेकर कांग्रेस पार्टी के कल महानगर अध्यक्ष आए और अपना समर्थन लेटर देकर 2 घंटे इनके साथ धरने पर बैठे और उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप शुरुआत करो, कल आप 1 दिन का उपवास करो, आगे रोज कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। और मैं आज आपके माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। पूरे मुरादाबाद में सबसे लंबे समय से कांसीराम चौकी प्रभारी पंकज यादव जी हैं, आखिर इस बात की राज क्या है? इतनी बड़ी घटना पर पर्दा डालने पर भी मझोला एसओ का ट्रांसफर हो गया, पंकज यादव का क्यों नहीं? क्या इन पर बड़े अफसर साहों का हाथ है या सत्ता पक्ष का इनके ऊपर हाथ है, या ये अफसरों के लिए कमाऊ पूत साबित हो रहे हैं?